नमस्कार मित्रों, रम्य रामायणी कथा में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के पास से बड़ी ही सुंदर ये कथा सुनी, उन आभूषणों को ग्रहण किया। अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए राम भगवन तद्वनम घोरम तपस्तप्यति यत्र सहा श्वेतो वैदर्भ को राजा कथम तद मृग द्विजम। आपने जो श्वेत वैदर्भ राजा की कथा सुनाई, इस वन में वो तपस्या करता था, किस प्रकार से ये वन जो है जहाँ एक भी मृग या पक्षी, यानी वन में मनुष्य ना हो ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन जहाँ कोई प्राणी या पक्षी भी ना हो ऐसा ये वन किस प्रकार से था, इस वन की ऐसी स्थिति किस प्रकार से थी। तद्वनम स कथम राजा शून्यम मनुज वर्जितम तपस्या प्रविष्टा सा श्रोतुम इच्छामि तत्वता। तो ये वन ऐसा निर्जन निष्प्राण, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस प्रकार का क्यों था। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं, पुराकृत युगे रामे मरुदंड धरा प्रभु। बड़ी प्राचीन बात है, महाराज मनु इस पृथ्वी पे राजा के रूप में शासन किया करते थे। तस्य पुत्रो महान आसीद इक्ष्वाकु कुलनंदना, और इक्ष्वाकु उनके पुत्र हुए, ये तो राम के ही पूर्वज हैं, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंशीय कहे जाते हैं राम, तो उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। महाराज मनु ने उनसे कहा, प्रीतोस्मि परमोदारे कर्ता चासिन संस्या दंडे न चा प्रजा रक्षे माम च दंडम अकारणे। हे इक्ष्वाकु, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे कार्य से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम प्रजा का पालन करो, इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए राजाओं की नियुक्ति करो, मतलब किसी को तो अपने यहाँ कुछ संतानें चाहिए, लेकिन मनु ने इक्ष्वाकु को ये काम सौंपा है कि आप प्रजा की रक्षा कीजिए, जिसको दंड देना है उसको दंड दीजिए, जिसको दंड नहीं देना है, बिना कारण किसी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अपराधी सुयो दंड पात्यते मानवे सुबह, अपराधी व्यक्ति को जो दंड देता है सदंडो विधिवन मुक्ता स्वर्गम नैति पार्थिवम, वो दंड राजा को स्वर्ग लेके जाता है। यानी अगर कोई अपराधी है उसको दंड दिया जाता है तो राजा दंड दे करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है, लेकिन निरपराधी को अगर दंड दिया जाए तो राजा पाप का भागीदार बनता है। सब कुछ समझा करके, सब कुछ सिखा करके, जगाम त्रिदिदम हृष्टो ब्रह्मलोकम सनातनम। मनु जो है वो स्वयं ब्रह्मलोक को चले गए हैं। इधर जो इक्ष्वाकु हैं, जनयामास धर्मात्मा शतम देव सुतोपमान, उन्होंने देवताओं के तुल्य 100 पुत्रों को जन्म दिया। पूरी पृथ्वी का शासन करना है भाई, तो 100 पुत्रों को जन्म दिया है, और इन सब पुत्रों में तेसाम अवरजह तात सर्वेशाम रघुनंदने मूढ़श्चाकृत विद्यश्च ना सुश्रू शति पूर्वजा। उनमें जो सबसे छोटा था वो मूढ़ भी था, अकृत था, काम नहीं करना है, अविद्यश्च पढ़ना लिखना भी नहीं है, और ना शुश्रूषति पूर्वजान, और अपने से बड़ों की सेवा भी नहीं किया करता था, दंड पाने के योग्य था। इसलिए महाराज इक्ष्वाकु ने नाम तस्य च दंडेति पिता चक्रे अल्पतेज सा, सबसे कम बुद्धि वाला था, अल्पतेज वाला था, इसलिए उसका नाम दंड रख दिया। अपश्यम दंड पतनम शरीरस्य भविष्यति, उनको मालूम था कि इसको कभी ना कभी भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए पहले से उसका नाम ही दंड रख दिया। भाई व्यक्ति के स्वभाव से ही पता चल जाता है, अगर इस स्वभाव का व्यक्ति है जो मूर्ख भी है, बड़ों की सेवा नहीं करेगा, बड़ों का आदर सत्कार नहीं करेगा, तो इसको दंड तो भोगना ही पड़ेगा, उसको दंड नाम रख दिया। और विंध्य सैवल योर मध्य राज्यम प्रादात अरिंदम, वो विंध्याचल और शैवल जो पर्वत है, इन दोनों के बीच का ये जो भाग है, यहाँ का राज्य उसको दे दिया गया। वो बड़े ही अच्छे ढंग से पुरस्य चाकर नाम है मधुमंते मिति प्रभु, यहाँ उसने मधुमंत नाम के एक नगर की संरचना की, और पुरोहित के रूप में उसने उसनस शुक्राचार्य की नियुक्ति की।
इस प्रकार से वो यहाँ बड़े अच्छे ढंग से राजकाज करने लग गया, बड़ा ही सुंदर उसका राज्य है। अक्रोध तत्र दांतात्मा राज्यम निहत कंटकम, जिसके ऊपर कभी कोई विघ्न ना है, निष्कंटक राज्य वो बड़े आराम से कर रहा था, बड़ा सुखी था। एक दिन की बात है कि वो भार्गव को मिलने के लिए, यानी शुक्राचार्य को मिलने के लिए उनके आश्रम की तरफ जाता है। तत्र भार्गव कन्याम सा रूपेणा अप्रतिमाम भुवि विचरंतीम वनोद्देश्य दंडोपस्यत अनुत्तमा। वहां उसको शुक्राचार्य की पुत्री, जो अत्यंत ही सुंदर है, अत्यंत सुंदरी को देखता है। कुतस्त्वमसि सुश्रोणी कस्यवासी सुता सुभे, पीड़ितो अहम अनंगेने पृच्छामि त्वां सुभानने। तुरंत दंड उससे पूछता है कि हे सुश्रोणी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, मैं तुम्हारे लिए काम से व्याकुल हूं, तुम मुझे अपना परिचय दो। तब वो कहती है, भार्गवस्य सुता विद्धि, मैं भार्गव यानी शुक्राचार्य की पुत्री हूं, देवस्याक्लिष्ट कर्मणः अरजाम नाम राजेंद्र ज्येष्ठाम आश्रम वासिनी, और उन्हीं के आश्रम में रहती हूं, अर्जा मेरा नाम है और मैं उनकी ज्येष्ठ पुत्री हूं। मैं शुक्राचार्य की ज्येष्ठ पुत्री हूं, अर्जा मेरा नाम है और इसी आश्रम में मैं रहती हूं। मामाम स्पृशबलाद राजन कन्या पितृवशाहेयम, अर्जा स्पष्ट कहती कि राजन, बलपूर्वक तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते हो, मैं पिता के वश में रहने वाली कन्या हूं, गुरु पिता में राजेंद्र त्वम च शिष्यो महात्मना, तुम्हारे जो गुरु हैं वो मेरे पिता हैं और तुम उनके शिष्य हो। इसका अर्थ हुआ कि गुरु की पुत्री जो है वो आपके लिए बहन के तुल्य होती है। ऐसा कहा नहीं है कि मैं आपकी बहन हूं, लेकिन एक संबंध जो बताने की कोशिश की है कि तुम्हारे गुरु मेरे पिता हैं और तुम उनके शिष्य हो, हे राजेंद्र। इसलिए व्यसनम सुमहत क्रुद्धा सत्से दद्यान महातप, अगर आप व्यसन करेंगे, अगर आप गलत आचरण करेंगे तो मेरे पिता क्रोध करके सब कुछ समाप्त कर देंगे। ध्यान रखिए, वरयस्य नरश्रेष्ठा पितरम मे महाद्युतिम अन्यथा तु फलम तुभ्यम भवेत घोराभिसंहितम, आप अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म का आचरण कीजिए। धर्म का आचरण अर्थात मेरे पिता के पास जाइए, उनसे सम्मति मांगिए, हो सकता है वो मेरा विवाह आपके साथ कर दें, लेकिन अगर आप अन्यथा दूसरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, मेरे साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। तब वो दंड कहता है, प्रसादम कुरु सुश्रोणी न कालम क्षेप तुम अर्हसी त्वत्कृते ही मम प्राण विदीर्यन्ति वरानने। हे सुश्रोणी, इतना समय किसके पास है, इस समय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं तुम्हारे प्रेम में और तुम कह रहे हो कि मैं पिता के पास जाऊं, अनुमति लूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे अंग प्रत्यंग काम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं। त्वाम प्राप्य तु वधो वापी पापम वापी सुदारुणम भक्तम भज सुमाम भीरु भजमानम सुबिहुल। अरे तुमको एक बार प्राप्त कर लूं, फिर चाहे मेरा वध हो जाए, मुझे मार दिया जाए, मुझे पाप लगेगा, घोर से घोर पाप लगेगा, मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, वो भी मुझे मंजूर है। भक्तम, मैं तुम्हारा बिल्कुल दास हूं। भजत स्वाम भीरु भजमानम सुबिवलम, मैं जितना व्याकुल हूं तुम भी मेरा साथ दो। देखिए, यही प्रत्येक बलात्कारी व्यक्ति की स्थिति होती है। जब वो किसी को एक बार प्राप्त कर लेता है ना, तो फिर उसको ऐसा होता है, उसको आप खूब कह दीजिए एक तुम्हें आजीवन मृत्यु की सजा मिलेगी, तुमको ऐसा मिलेगा, नहीं। जिस समय व्यक्ति के दिमाग पे, देखिए काम जो है ना व्यक्ति के शरीर में रहे ना वहां तक ठीक है, लेकिन जब वो दिमाग पे चढ़ जाता है ना तब बड़ी समस्या हो जाती है। और ये काम दिमाग पे चढ़ गया है, जब व्यक्ति की मन बुद्धि पे ये काम अपना कब्जा कर लेता है तो उसकी स्थिति इसी प्रकार की होती है। एव मुक्त्वा तुताम कन्याम, अरे तुम्हें प्राप्त करने के बाद तो मृत्यु आ जाए तो वो भी मुझे मंजूर है, मुझे पाप लगेगा तो पाप भी मुझे मंजूर है, मेरा सर्वनाश हो जाए तो सर्वनाश भी मुझे मंजूर है। इतना कहते हुए कन्याम दोर्भाम प्राप्य बलावली, वो शक्तिशाली राजा है, उसने कन्या को अपने हाथों से पकड़ लिया है। विस्फुरंती, वो बड़ा विरोध करती रही कन्या, यथा कामम मैथुना योगी, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं और जबरदस्ती, आज की बात सीधी भाषा में कहा जाए तो बलात्कार पूर्वक उसके साथ उसने संबंध बांधा है। और तमनार्थम महागोरम दंडा कृत्वा सुदारुणम नगरम प्रयासु मदमंतम अंत, और उस कार्य को करने के बाद वो अपने नगर में वापस चला जाता है।
वो कन्या अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर के पिता के आने की राह देख रही है, रो रही है। इधर जब पिता आते हैं, जैसे उनको ये समाचार मिलता है, सप्त रात्रेण राजा सौ सपुत्र बलवाहना पाप कर्म समाचारो बधम प्राप्त से दुर्मति, तो वो शाप देते हैं कि सात रात्रि के अंदर ये राजा अपने सभी पुत्रों, सभी बल वाहन धन संपत्ति राज काज सबके साथ में नष्ट हो जाएगा। शुक्राचार्य ने यह शाप दिया है कि इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ना राज्य, ना धन, ना संपत्ति, ना सेना, ना पुत्र, ना ये स्वयं, सबका नाश हो जाएगा। समंतात योजन शतम विषयम चास्य दुर्मते यक्षते पांशु वर्षेण महता पाक शासना। मैं शाप दे रहा हूं कि ये जितना सौ योजन का ये विस्तार फैला हुआ है, जहां तक इस राजा का राज्य है, इस समस्त राज्य में इंद्र जो हैं 500 वर्षा करेंगे, मिट्टी की ऐसी वर्षा करेंगे कि यहाँ जो कुछ है सर्वसत्वानि यानि है स्थावराणि चराणि च महता 500 वर्षेण विलियम सर्वतो गमत। यहाँ जितने वृक्ष हैं, जितने पर्वत हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, सब उस मिट्टी के नीचे दबके समाप्त हो जाएंगे। दंडस्य विषयो यावत तावत सर्वम समुश्रयम 500 वर्ष मिवा लक्ष्यम सप्त रात्रम भविष्यति। ये 6 दिन का समय है, सातवीं रात्रि को ऐसा होने वाला है। इतना कहकर के अत्यंत क्रोधित हुए शुक्राचार्य ने वहां उपस्थित अपने शिष्यों से ये कहा है कि इस आश्रम को छोड़ करके आप सभी लोग इस राज्य की सीमाओं से दूर चले जाएं, क्योंकि इस राज्य में इस स्थल पे जो भी रहेगा वो सब समाप्त हो जाएंगे। और अपनी पुत्री अर्जा से ये कहा कि तुम्हें ये दंड दिया जाता है, तुमने इस प्रकार से उससे बात की, तुमने इतनी उससे चर्चा की है, तुमको इस चीज़ का दंड दिया जाता है कि तुमको यहीं इस सरोवर के किनारे रहना है। लेकिन हाँ, त्वत्स्वमीन पे चाहिए सत्वा वासमेष्यन्ति ताम निशाम अवध्या 500 वर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा। लेकिन उस समय तुम्हारे पास जो भी पशु प्राणी पक्षी जो भी उस सरोवर के पास तुम्हारी परिधि में होंगे, उनके ऊपर इस मिट्टी की, इस 500 वर्षा की कोई असर नहीं होगी। इस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत दुखी इस सरोवर के किनारे जो आश्रम था, जिस आश्रम का वर्णन पहले किया गया था, वहाँ वो रही है। और उसी साप का ये परिणाम है राम, कि ये संपूर्ण जो दिखाई दे रहा है ये दंड का अरण्य, दंड नाम के राजा ने जिसको बसाया था और बाद में जो अरण्य बन गया, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा है। बाद में बहुत सालों के बाद धीरे धीरे यहाँ आकर के लोग जो ऋषि मुनि हुए निवास करने लग गए, इसलिए इसको जनस्थान भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये कथा सुनाने के बाद अगस्त मुनि कहते हैं कि राम, अब संध्या वंदन का समय हुआ है। संध्याम उपासितुम वीरे संयो यति वर्तते एते महर्षिः सर्वे पूर्ण कुंभा संदता। सभी देखिए ऋषि मुनि जो हैं पूर्ण कुंभ लेकर के संध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो संध्या का समय हो गया है, तो अब आप भी संध्या वंदन करें, मैं भी संध्या वंदन के लिए ही जाता हूँ। इस प्रकार से अगस्त मुनि संध्या वंदन के लिए जाते हैं, राम भी अपनी संध्या वंदन करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल राम अगस्त मुनि से कहते हैं कि महाराज मुझे अनुमति दीजिए। उन दिव्य आभूषणों के साथ में पुष्पक विमान पर बैठ करके राम ने वहाँ से प्रस्थान किया है। अगस्त मुनि ने राम की बड़ी प्रशंसा की है और उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं कि आपका नाम जो है वो इतना महान हो जाएगा कि लोग आपका नाम लेंगे तो भी वो पवित्र हो जाया करेंगे, और आपके दर्शन जो व्यक्ति कर लेगा वो व्यक्ति भी धन्य धन्य हो जाएगा। राम धन्यास्मि अनुग्रहितास्मि दर्शनेन महात्मना, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ और अनुग्रहित हो गया हूँ। इतना कहकर के अयोध्या वापस आ जाते हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। जीवन में कभी भी किसी भी स्त्री के साथ में एकांत में निवास नहीं करना चाहिए, ये महाराज मनु का स्पष्ट कथन है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि युवान व्यक्ति हो तो उसको अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ या अपनी किसी भी संबंधिनी स्त्री के साथ भी एकांत में शयन नहीं करना चाहिए। कारण
इसी प्रकार के हुआ करते हैं कि जब व्यक्ति पे काम का आवेग आता है उस समय वो सब कुछ भूल जाता है। तो अगर हमें इन दुष्कर परिस्थितियों से बचना हो तो ये हमारे अपने हाथ में है कि हम ऐसी परिस्थिति ही ना आने दें। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर।